दक्षिण पटना की बड़ी आबादी को काफी सहूलियत होगी। जमीन पे सड़क बननी थी लेकिन अब एलिवेटेड बनेगी। 131 करोड़ रुपया तय की गई थी जो अब बढ़कर 1240 करोड़ रुपया हो जाएगा। इठापुर, सिपारा, एतवारपुर, कुरथौल, परसा और महुलू में बसे लोगों को सीधा फायदा होगा। जहाँ हम खड़े यहाँ देख सकते हैं ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा है और ऊपर स्ट्रक्चर बनते हुए पटना की तरफ बढ़ रही है, जो कि रेलवे लाइन देखता होगा। रेलवे लाइन सीधे पटना चली जाएगी और इधर जाएंगे तो परसा की ओर चली जाती है। हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू चैनल, आपका दोस्त आपके साथ है। तो आपको बताते चले कि एक और नए प्रोजेक्ट को अपडेट देने के लिए हम लोग आ गए। आपको बता दें हम लोग अभी खड़े हैं सिपाड़ा इलाका में और यहाँ आने का कारण बताते चले। यहाँ आने का कारण आपको बता दें दोस्तों, मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देने के लिए आए हैं। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट और ये ब्रिज और ये रोड बन जाने से किस किस लोगों को फायदा मिलेगा और कहाँ तक ये ब्रिज बनेगा, साथ ही साथ इस ब्रिज की कितनी लंबाई है और इस ब्रिज में कितनी लागत है, कब तक बनकर तैयार होगा, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने भाई को भी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आपको बताते चले दोस्तों, मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड के प्राइमरी प्रोजेक्ट में चार बड़े बदलाव से दक्षिण पटना की बड़ी आबादी को काफ़ी सहूलियत होगी। वैसे आपको बताते चले 8.8 किलोमीटर लंबाई वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अभी सिपारा गुमटी से मोहली राम गोविंद हॉल्ट तक 6.7 किलोमीटर एलिवेटेड स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पाया का निर्माण जारी है। तो लेकिन प्रोजेक्ट के शुरुआती 2.1 किलोमीटर पटना रेलवे जंक्शन से मीठापुर ROB से सिपारा गुमटी तक के डिजाइन में परिवर्तन होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, पहले जमीन पर सड़क बननी थी लेकिन अब एलिवेटेड बनेगी। चार बड़े बदलाव से दक्षिण पटना की बड़ी आबादी को सहूलियत मिलने की उम्मीद जग गई है। प्रोजेक्ट के स्कोप में परिवर्तन के बाद अब परसा संपाचक रोड से भी एलिवेटेड प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी दी जाएगी, साथ ही साथ जिससे बाईपास पर बसने वाले लाखों की आबादी को फायदा होगा। वे गया और दक्षिण बिहार की तरफ जाने के लिए वहीं से एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर चढ़ सकेंगे। साथ ही साथ चौथे महत्वपूर्ण बदलाव के तहत कुरथौल से पेडी स्टील अंडरपास बनाया जाएगा ताकि मीठापुर मोहली एलिवेटेड प्रोजेक्ट के दोनों तरफ बसी आबादी एक दूसरे से आसानी से मिल जाएंगे। तो ये चार बदलाव के साथ इस प्रोजेक्ट की जो कि पहले 1031 करोड़ रुपया तय की गई थी जो अब बढ़कर 1240 करोड़ रुपया हो जाएगा। इस एलिवेटेड प्रोजेक्ट के दोनों तरफ मीठापुर, सिपारा, एतवारपुर, कुरथौल, परसा और महुलू में बसे लोगों को सीधा फायदा होगा। पटना गया डोभी फोर लाइन हाईवे से जुड़ने वाली पटना गया रेल लाइन के समानांतर उसके पूरब की तरफ बनने वाली दक्षिण पटना इलाके की महत्वपूर्ण परियोजना के से बाईपास पर इलाके की भी सहूलियत पहुंचेगी। इस परियोजना से गया से बिहार शरीफ, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर और बख्तियारपुर से पटना NH 83, NH 82, NH 31 और NH 30 से संपर्क सीधा करेगी। साथ ही साथ पटना से राजगीर गया और गया से पटना आने में जाम से छुटकारा मिलेगा। तो जहां हम खड़े यहां देख सकते हैं ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा है और काफ़ी मतलब तेज़ी से इस इलाका में काम चल रही है। अभी देखेंगे तो आप देख सकते हैं लॉन्चर से जो कि स्ट्रक्चर को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। और इधर पटना की तरफ बढ़ेंगे तो अब जहां तक आपकी नज़र पड़ेगी पूरी तरह से पिलर भी बनकर तैयार है और पिलर कैप भी बनकर तैयार है। हम अभी देख सकते हैं परसा से आगे कुछ इलाका में खड़े हैं और यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी देख सकते हैं पूरी तरह से सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। और ये जो कि सुपर स्ट्रक्चर बनते हुए पटना की तरफ बढ़ रही है, बहुत जल्द इस जो कि एलिवेटेड जो कि मोहली और मीठापुर को जोड़ने वाली एलिवेटेड पे बहुत जल्द काम चल रही है और आने वाले समय में बहुत जल्द लाखों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। और लगभग जाम की समस्या लगातार नीचे वाले इलाका में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती थी, ये जो कि एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो आने वाले समय में पटना जाना भी आसान हो जाएगा और पटना से लोगों को आने के लिए गया, राजगीर, अलग अलग इलाका बख्तियारपुर तक जाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो इस प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द लोगों को बहुत आस भी है, इलाका के लोगों को इस प्रोजेक्ट का बहुत तेज़ी से इंतजार भी है, जल्द से जल्द बने और जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुँचे। फिर पीछे जो रोड जा रही है ये रोड जो कि पटना की तरफ से आ रही है, ये रोड सीधे सिपारा की तरह चल जा रही है। तो इस जो कि अभी तक इस नए एलिवेटेड जो रोड बन रहा है मोहली मीठापुर, तो इसमें काफ़ी लोगों को जाम की समस्या ये बनी हुई है और देख सकते हैं नीचे काफ़ी धूल वगैरह भी उड़ रहा है क्योंकि काम की गति चल रही है और देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर भी बन रहा है।
तो इसमें अभी कुछ लोगों को जाम की भी समस्या लगातार बनी हुई है। बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट पे काम तेजी से चल रही, जब बनेगा तो लोगों में काफ़ी खुशी आएगी, क्योंकि लाखों की आबादी को लोगों को बहुत इस एलिवेटेड रोड की ज़रूरत है। बहुत जल्द इसे सरकार भी लगातार बनाने की कोशिश कर रही है। तो जहाँ हम खड़े हैं दोस्तों, देख सकते हैं पीछे पिलर नंबर 48 और पिलर नंबर 49 के बीच में है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इधर देखेंगे तो पूरी तरह से सुपर स्ट्रक्चर बन गया है। और अभी पिलर नंबर 48 और पिलर नंबर 49 के पास देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं रखा जा रहा है। और इधर पटना की तरफ जाएंगे देखेंगे तो इधर पूरी तरह से पिलर कैप बनकर तैयार है, और पिलर पे अभी तक यहाँ तक सुपर स्ट्रक्चर बना है और इधर पिलर बना है। और इधर देखेंगे परसा की तरफ देखेंगे तो पूरी तरह से सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, जो कि रेलवे लाइन देखता होगा, रेलवे लाइन सीधे पटना चली जाएगी और इधर जाएंगे तो परसा की ओर चली जाती है। तो काफ़ी तेज गति से काम चल रही है। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से बने रहे, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको इसी तरह का नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद।